आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन काफ़ी मंगलमय हो और आज के दिन मैं चाहूँगी कि आप बहुत अच्छी तरह से मनाएं। दशहरा का जो शब्द बना है, ये दो शब्दों से बना है। एक है दस यानी दस सिरों वाला रावण और हरा यानी हराना। तो इस दिन हम जानते हैं कि राम ने रावण को हराया और उसका वध किया था। रावण जो कि एक अर्ध राक्षस और एक अर्ध मानव थे, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े पंडित भी थे। वो एक बहुत ही बड़े विद्वान थे उनके ज़माने में और वो एक बहुत अच्छे ज्योतिष भी थे। लेकिन उनको उनके अहंकार के वजह से, उनके क्रूरता के वजह से और उनके आचरण के वजह से उनको अंजाम दिया श्री राम ने। अपने तपस्या के वजह से उन्होंने विश्व विजय हासिल की और जब वो स्वर्गलोक गए तो उनकी नियत रंभा को देख के डगमगाई। रंभा जो उनके बड़े भाई यानी कुबेर के बेटे नल कुबेर की ब्याहता थी, कहा था, रंभा ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसे गलत आचरण न करें क्योंकि मैं आपकी बहू समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माने और उन्होंने गलत हरकत की, जिसके वजह से नल कुबेर ने उन्हें एक श्राप दिया था कि जब कभी वो अपनी दृष्टि किसी स्त्री पे खराब करेंगे तो उनका सर चूर चूर हो जाएगा। तो ये परिणाम था जो उन्हें बाद में भुगतना भी पड़ा था। तो ये तो थी रामायण की कथा, लेकिन हमारे अपने जीवन में भी हम इसका उदाहरण ला सकते हैं कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बुराइयां जो है हमारे अच्छाइयों पर भारी ना पड़े, है ना। हम अक्सर देखते हैं, जैसे मैं देखती हूँ लोगों को, कि बहुत सारे लोग हैं जिनके मोटे मोटे हॉस्पिटल के बिल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें वो काफ़ी खर्चा करते हैं अपने हेल्थ पे, अपने वेलबींग पे। लेकिन क्या हम कभी अपने हेल्थ को, अपने जीन्स को थैंक यू बोलते हैं कि हमारा हेल्थ इतना अच्छा है या हमारा स्वास्थ्य इतना अच्छा है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है? हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हमें वो कृतज्ञता है ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है या अच्छा है या अच्छा हो रहा है, उसके लिए हमेशा हमेशा थैंकफुल रहे। और जो चीज़ हमारे पास नहीं है या हमें नहीं मिली है, उसके लिए हमेशा हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। तो यही कारण है मेरे यही बात करने का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ये भी दे सकती हूँ कि जब स्कूल में थी तो मेरी एक सहेली थी, मेरी सहेली का रंग जो था वो गेहुआ था। वो हमेशा उदास रहती, सोचती कि उसके माँ बाप का रंग गेहुआ होने के कारण उसका भी रंग गेहुआ था। लेकिन उसने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो हम दोस्तों ने उसको ये चीज़ बताया कि वो पढ़ाई में कितनी अच्छी है, वो बोलचाल में कितनी अच्छी है, उसका आचरण कितना अच्छा है, उसका स्वभाव कितना अच्छा है, लोग उसे बहुत पसंद करते थे हम स्कूल में। तो ये होता है कि हम, है ना, अपनी अच्छाइयों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो शायद हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ हम अपने ऊपर नहीं, हम दूसरों के ऊपर भी इनफैक्ट ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि दूसरों की भलाइयाँ कम दिखती है, दूसरों की बुराइयाँ कम ज़्यादा दिखती है। तो मैं चाहूँगी इस अवसर पे आप सबको कहना कि ऑन दिस दशहरा लेट्स एक्चुअली फोकस ऑन द गुडनेस, और जो हमारे पास एंड नॉट फोकस ऑन द रॉन्ग थिंग्स। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो दिस दशहरा, स्टे हैप्पी एंड स्टे हैपनिंग। टेक केयर।